मॉर्निंग टू ऑल प्रेजेंट. मेरी कुछ जर्नी थोड़ी सी बताई इन्होंने, तो जो अभी मॉर्निंग सेशन में डॉक्टर वाजपेयी ने कहा कि इंग्लिश की बजाय हिंदी में चलेगा, तो मेरे को भी लगा कि अच्छी बात. उस जर्नी में लास्ट टाइम लास्ट मेरा लेग था इलाहाबाद में, तो वहां तो हिंदी बहुत ही रिस्पेक्टेबल तरीके से बोलते हैं. तो कोई भी फंक्शन हो तो आई थिंक भाषा तो हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही, जिससे हम सब समझ सकें उसी का फायदा है. अगर किसी सभा में कहीं पे भी कुछ परसेंटेज ऑफ लोग भी अगर ऐसे हैं जो आपकी भाषा जो आप बोल रहे हो नहीं समझ सकते, तो उसका शायद पूरा ऑप्टिमम यूज नहीं है फंक्शन का. तो जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से, और इस एरिया में तो आई थिंक हम सब हिंदी बड़ी अच्छी प्रकार से बोल और समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी मातृभाषा है. और जहां तक पंजाब हरियाणा का सवाल है, मैं बिलोंग करता हूं हरियाणा से, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रहा हूं, कॉमन हाईकोर्ट. तो हमारे वहां तो इंग्लिश और इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं, तो वैसे भी कोई इंग्लिश ज्यादा. पर यह है कि कोर्ट में लाइक वो तो मैंने शायद सुप्रीम कोर्ट में भी देखा, बनर्जी साहब यही हैं कि बहुत सारे काउंसल हैं, हम भी कोई एक्सपर्ट नहीं है इंग्लिश के, विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ चीजें सीख ली हैं. अगर आप लगाएं तो जब प्रैक्टिस शुरू की थी तब तक तो हम कभी इतनी इंग्लिश नहीं बोलते थे जितनी कोर्ट में बोलनी पड़ती है. तो बट इन एनी केस, जैसे भी कम्युनिकेट हो सके, आई थिंक दैट शुड बी द आइडिया. और उससे बात जो है हमारी मातृभाषा में अगर हो ना, तो वो शायद दिल में उतर भी जाती है, कहीं दिमाग में रजिस्टर भी. तो सबसे बड़ा तो आई थिंक इस सेशन का, इस प्रोग्राम का ये एक पॉजिटिव पार्ट रहेगा. बट अनदर फैक्ट के मैं बहुत धन्यवादी हूँ अधिवक्ता परिषद का, और स्पेशली गॉड साहब थे, इन्होंने तो कई बार कई चक्कर लगाए और कन्विंस किया कि नहीं जी आप जरूर चलें. बट एक बात तो जरूर है कि ये तीनों ही नए बिल जो हैं, इसके बारे में कहीं पे भी फंक्शन में जाना भी हो ना, तो हमारे लिए ये होता है कि एक लर्निंग प्रोसेस है. आई थिंक जिस प्रकार से डॉक्टर वाजपेयी ने बताया सारा एक कैप्सूल के अंदर सब कुछ, और उसके बाद आइसिंग ऑन द केक जिसको कहते हैं बनर्जी साहब ने किए, तो मेन जो इश्यूज हैं, मेन जो चेंजेस हैं, वो तो हमारे ऑलरेडी माइंड में रजिस्टर हो गए. क्योंकि कोई भी आदमी ये लेके मैं उसको पूरी तरह लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ूंगा फिर समझूंगा, उसमें बहुत समय लगेगा, कोई इतना समय नहीं शायद स्पेंड कर सके. और उसका बेटर आइडिया यही होता है कि कॉन्फ्रेंस अटेंड करें किसी भी चीज की, तो उसमें जो भी कोई स्पीकर है वो उसकी बहुत डिटेल्ड एग्जामिनेशन करके आपको एक उसका जो निचोड़ है वो देगा. बहुत सारे प्रोविजंस तो सेम ही होंगे, बट उसको रीअरेंज है और है जो भी चीजें हैं. तो सब्जेक्ट नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री है क्रिमिनल लॉ की, आई एम नॉट गोइंग इन टू दिस. और ये तीन जो हमारे पुराने एक्ट चेंज की तरफ जा रहे हैं, एक आईपीसी हम जो पॉपुलरली नोन पहले थे, अब तो बिल्कुल हिंदी में नाम है उसके, या सीआरपीसी एविडेंस एक्ट. आईपीसी लें तो जैसे बताया कि लॉर्ड मैकॉले का एक कमीशन, फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन बना, और 1860 में इसको एक्ट को एनेक्ट किया, 1860 वो 19 भी याद आएगा. सो अब इसकी चेंज जो है वो 163 इयर्स के बाद हो रही है. तो उसके इस पीरियड में मच वाटर हैज फ्लोन, हमारा कंट्री आजाद हो गया, आजादी के बाद भी बहुत चेंजेस आ गए, अमेंडमेंट्स इसमें आई है कोई अबाउट, जो मैं देख रहा था, क्योंकि आजकल बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो हमारे को गूगल बाबा से मिलती है, तो गलत है ठीक है मैं उसको वॉच सेफ नहीं, पर ऐसा ही एक्ट में भी देखा मैंने कि अब 78 अमेंडमेंट्स इसमें आई हैं अभी तक, कुछ बहुत ड्रास्टिक बहुत मेजर आई हैं, बाकी छोटी मोटी तो चलती हैं. सीआरपीसी 1898 में एनेक्ट हुई, उसके बाद 73 में रिप्लेस हुई,
और उसके फिर 50 साल के बाद जैसे बताया आप, और एविडेंस एक्ट लें तो हम सितंबर 1872 का है, तो उसके अंदर भी एक अमेंडमेंट आई है, पर इसको भी 151 ईयर्स हो गए। तो आई थिंक जिस हिसाब से सोसाइटी चेंज होती है, हमारा क्राइम का पैटर्न चेंज हो रहा है, नीड हमारी डिफरेंट हो गई, जैसे अभी बताया कि कॉलोनियल था पहले, थोड़ा सा डिफरेंट था, सुप्रेशन का आइडिया था, अब राइट ऑफ विक्टिम भी है, राइट ऑफ एक्यूज्ड भी है, फेयर ट्रायल भी है, स्पीडी ट्रायल भी है, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जजमेंट से दिए हैं, और क्राइम भी डिफरेंट हो गया। लाइक अब आईपीसी में अगर देखें आप, तो इफ समबडी इज थिंकिंग ऑफ और having some conspiracy to commit a crime in India और बाहर बैठा, तो वो भी शायद क्राइम इसके अंदर ऐड कर दिया मेरे ख्याल से। बहुत सारे फ्लॉज भी होंगे पुराने लॉ में, कुछ प्रोविजन होंगे जो ऐसे अभी तक यूज नहीं हुए, जैसे बहुत सारे प्रोविजन डिलीट कर दिए हैं इसमें। और चेंज मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत एक क्वेश्चन कई दफा आता है कि जरूरत क्या है इसकी, इतने सालों से चल तो रहा था, बट चेंज इज ऑलवेज बेटर फॉर गुड। अगर हम स्टैटिक कहें तो कई दफा हम बचपन में जैसे पढ़ते थे, कहते तालाब का पानी है जो नहीं मूव कर रहा था वो गंदा ही होगा, एक मूविंग अगर रिवर है तो वो फ्रेश रहेगा हमेशा। सो ये मूवमेंट है, चेंज इज, आई थिंक अगर हमें ग्रो करना है आगे तो चेंज इज रिक्वायर्ड। तो इसके लिए हमारे को सिर्फ अपने माइंड सेट को थोड़ा सा ट्यून करना है टू एक्सेप्ट दिस चेंज। और दिस इज नॉट आइसोलेटेड, अगर आप लगाएंगे जैसे डॉक्टर वाजपेयी ने कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि प्रोविजंस जो एक्ट में है उसकी जब इंप्लीमेंटेशन होगी थोड़ा टाइम लगेगा सेटल डाउन होने में, देयर मे बी सम इश्यूज। 2017 में जीएसटी आया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बहुत देर से उसकी भी डिस्कशन चल रही थी। अब वो पिछले 7-8 साल में काफी सारा सेटल हो गया, शुरू में उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आई। लाइक मैं ये सेशन अटेंड कर रहा हूं इस एक्ट के ऊपर, जब वो जीएसटी की इंट्रोडक्शन होनी थी, अभी सितंबर 2017 में एनफोर्स हुआ वो जुलाई में, तो हमारे लिए भी एक नया लॉ था। तो हमारे यहां भी नेशनल जुडिशियल एकेडमी है भोपाल के अंदर, तो एक कोर्स उसके लिए डिजाइन किया गया, जिसके अंदर हमारे जो स्पीकर्स रिसोर्स पर्सन थे वो थे जो उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, या ड्राफ्टिंग एक जो ग्रुप था। सो वो आए, उन्होंने हमारे को काफी डिटेल्स में चीजें बताई उसकी, और उसमें हमने बहुत सारे इश्यूज भी रेज किए उनके सामने विद एक्सपीरियंस फ्रॉम, क्योंकि उससे पहले इनिशियली जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो सेल्स टैक्स एक्ट होते थे, फिर रिप्लेस हुए वैल्यू एडेड टैक्स से, क्यों नीड चेंज हुई, सेल्स टैक्स में कई प्रॉब्लम्स थी, और उसके बाद वैल्यू एडिशन पे जो था वो टैक्स नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने कहा इसको चेंज करो सिस्टम को, वैल्यू एडिशन पे भी टैक्स लो हर एक स्टेज पे। फिर ये चेंज हुआ, ये डेस्टिनेशन बेस है, वन इंडिया वन टैक्स जो भी है, इसके बारे में बहुत कुछ। तो हमने उनको जब इशू रेज किए वहां पे, तो दे सेड यस देर आर सम फ्लॉज ऑल्सो, क्योंकि ये बहुत जल्दी में कुछ ड्राफ्ट हुआ, क्योंकि डेडलाइन थी सितंबर की कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अगर ये नहीं हम इंप्लीमेंट करेंगे तो देर विल बी नो टैक्स लॉ बेसिकली। बट उसके बाद जो भी चेंजेस आई हैं, अमेंडमेंट्स आई हैं, बहुत अमेंडमेंट्स उसमें आ चुकी हैं अभी। और आप एक चीज देखिए, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है इसमें, बहुत सारी जगह टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, अब एक्ट में डाल दी है, कुछ जगह पहले भी यूज हो रही थी। जो ये हमारा जीएसटी है, या फॉर दैट मैटर आप कहें जो इनकम टैक्स भी है, जो भी टैक्सेस लॉ है अब, ये बहुत सारे अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और उसका रिजल्ट अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं टैक्सेशन में भी, या आप थोड़ा न्यूज़पेपर देखते हैं, तो कलेक्शन हमारी बहुत बड़ी है, जो मोर देन एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट की भी, चाहे आप जीएसटी लो चाहे आप इनकम टैक्स लो। क्यों, आप कोई भी चोरी है, कोई भी ट्रांजैक्शन से हो रही है, किसी तरह भी हो रही है, वो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है। बैंकों को डायरेक्शन है कि कोई अनड्यू ट्रांजेक्शन किसी अकाउंट में हो रही है, इमीजिएटली रिपोर्ट होती है। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, कि कौन आदमी जीएसटी के अंदर तो करोड़ रुपए की रिटर्न फाइल कर रहा है, बट इनकम टैक्स में एसएससी नहीं है, तो हाउ इट इज पॉसिबल, अगर कोई 20-50 करोड़ की रिटर्न जीएसटी में फाइल कर रहा है तो कुछ तो इनकम उसकी होगी। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें, ये तो हुई टैक्स की बात। अगर आप सीपीसी लगाएं, हमारे पास अभी सीपीसी 1908 की है, और इससे पहले वो था सिविल एक्ट 8 ऑफ 1859,
तो उसको भी चेंज किया हमने, वी हैव एक्सेप्टेड, रिक्वायर्ड था। मोटर व्हीकल एक्ट था हमारे पास 39 का, 88 में प्री इंडिपेंडेंस। कंपनी एक्ट भी हमारे पास था 56 का, कोई चेंज की जरूरत हुई 2013 में आया। हालांकि कुछ प्रोविजन ओल्ड न्यू चल रहे हैं अभी, देर आर सम इश्यूज, बट इंडियन टैरिफ एक्ट था हमारे पास 1934 का, जो कस्टम्स वगैरह को डील करता था उस टाइम, तो वो भी हमने चेंज किया 52 में आया। प्रिवेंशन ऑफ फूड एल्ट्रेशन एक्ट था हमारे पास 54 का, तो उसको भी चेंज किया हमने 2006 में, फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी एक्ट लेके आए। क्यों चेंजेस आई, क्यों नए एक्ट आए, हर एक चीज में, मैं तो थोड़ा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, बट हर एक एक्ट में हम ये कह सकते थे इसमें छोटी मोटी अमेंडमेंट करनी है, कर लो आप, क्यों नया एक्ट लेके आ रहे हो, बट स्टिल दोज आर ब्रॉड। फिर बहुत जोर पड़ी तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी आया, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस थे, एक स्पेशलाइज्ड इन्होंने लॉ लेके आए कि बहुत सारी जो मनी लॉन्ड्रिंग की चीजें थी, तो उसको भी टेक केयर ऑफ दैट। बट एक बात है कि अगर आपने बहुत मेजर चेंजेस करनी है किसी एक्ट में, तो वो प्रोबेबली अमेंडमेंट से नहीं हो सकेंगे प्रैक्टिकली। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे प्रोविजन इंटर रिलेटेड होते हैं, एक प्रोविजन सेम एक्ट में भी और डिफरेंट एक्ट्स में भी, और अमेंडमेंट करके आप कहीं एक बिल में एक्ट में छाप देंगे कि दिस शिल बी रेड एज दैट। और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको मैं बताता हूं, आपने शायद फेस की हो, एक्सपीरियंस की हो, कि बहुत सारे हमारे अच्छे वेल रेपुटेड जो पब्लिशर हैं उनकी किताबों में वेर एक्ट गलत छपे हुए हैं बहुत सारे, एंड आई थिंक चंडीगढ़ में भी और इलाहाबाद में भी, मैंने कई सारे जो आपके टॉप के हमें नाम भी हुआ यहां पे, उनके उनको नोटिस किया था कि आपके वेर एक्ट गलत छपे हुए हैं, एंड बहुत सारे डिसीजन आपको उसी वेर एक्ट के हिसाब से आएंगे। दिस इज द मेन एक प्रॉब्लम है, तो वो नहीं छपते एक्ट में, कोई गवर्नमेंट पब्लिकेशन अवेलेबल नहीं है आपका, बहुत सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपको अप टू डेट एक्ट नहीं मिलेगा। इफ यू गो टू एनी वेबसाइट, वो कहेंगे 2021 उस डेट तक अप टू डेट है या 22 तक अप टू डेट है। देयर आर लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स कमिंग। आपने एक पर्टिकुलर लाइक टैक्सेशन में आप जाइए, तो एवरी ईयर इज एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट ईयर, आपको उसी साल का लॉ देखना है। अब आईपीसी में भी लीजिए, आपको उसी टाइम का देखना है कि क्राइम था या नहीं था उस टाइम, या क्या सजा थी या नहीं थी, बाद में ऐड हुआ कैसे हुआ, ये सारी चीजें हैं रेलेवेंट है। पर आपको अगर उस पीरियड का एक्ट नहीं मिलेगा, तो फिर नेचुरली देर आर चांसेस ऑफ एरर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके लिए। अब आप इंटरनेशनल पोजिशन भी लगाएं, इंग्लैंड भी, क्योंकि हम तो वहीं से फॉलो करते हैं ना सारी चीजें, हमने कॉलोनी रूल था, उन्हें का था, तो हमारे यहां तो आईपीसी चल रही है 1860 की, वहां पर भी 1977 की है, तो वहां वो 1860 या उससे पहले की होगी, वहां तो यहां तो बाद में फ्रेम की उन्होंने, तो उन्होंने क्यों चेंज किया। एविडेंस एक्ट हमारे यहां 1872 का, उन्होंने भी 1938 में बनाया कोई एक्ट, बाद में पहले होगा कोई उनका भी। अगर आप सीआरपीसी की बात करें, हमारे पास 73 की है, उन्होंने 2020 में भी, उनके रूल्स हैं, एक्ट नहीं है कोई, 2020 में अभी सारा टोटल रिवीजन किया है, एंड दैट रिवीजन इज पीरियोडिक, जैसे कि 5-7-10 साल के बाद वो रिवाइज करते रहते हैं, क्योंकि प्रोसीजर जो है वो सबसर्वियंट टू जस्टिस है, तो उसकी अमेंडमेंट्स नीड बेस्ड टाइमली चलती रहनी चाहिए, तो उन्होंने सारा रिवाइज कर दिया 2020 में। मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया तो कनाडा का देखा, वहां 85 के एक्ट है। कनाडा तो कोई नया कंट्री नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं अभी हुआ, वो भी बहुत पुराना कंट्री है। तो ये सारी चीजें हैं, तो एवरीवेयर जहां पे भी है, अगर आप और भी इंफॉर्मेशन उठा के देखेंगे, तो हर एक जगह जब भी नीड हुई चेंज की, वो हमेशा लाई गई और ले आनी चाहिए टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। जैसे डॉक्टर वाजपेयी ने आपको डिटेल में बताई बहुत सारी चीजें, कि बहुत सारी चेंजेस थी, बहुत सारी जजमेंट्स आई सुप्रीम कोर्ट की, कई इश्यूज के ऊपर लॉ डिफाइन किया, कुछ चीजें ऐड की, तो वो अगर लॉ में इंकॉर्पोरेट हो जाएंगे तो एवरीबडी विल नो जजमेंट्स। बहुत सारी नहीं पता होंगी जो हमारे नए एडवोकेट्स आएंगे, पुरानी जजमेंट्स। और एक और प्रॉब्लम भी है, बहुत सारे प्रोविजन जो स्टक डाउन हो जाते हैं, वो स्टिल दे रिमेनिंग स्टैट्यूट बुक अगर आप पर पढ़ेंगे, वो वहां से डिलीशन नहीं होती कोई अमेंडमेंट से। इफ सम न्यू एडवोकेट विल रीड दैट प्रोविजन, जिसको जजमेंट नहीं पता वो समझेगा यही प्रोविजन है। सो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, तो दीज आर इनकॉर्पोरेटेड, और लॉ एक नया आएगा तो आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट इट। और ड्राफ्टिंग जो है, जैसे इन्होंने बताया कि सेटल डाउन होगा और वो एक फैक्ट है, मेरे को भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उसका,
एक इशू अराइज हुआ, आप लोगों ने डील किए होंगे केसेस बहुत सारे, जो हमारे वारिंग कपल्स हैं जो दो कंट्रीज में हैं, इंडिया में हस्बैंड है या वाइफ है या आइदर ऑफ टू, और बच्चा या तो यहां है या किसी फॉरेन कंट्री में है, और वो ले आए उसको आइदर वे या ले जाए, तो उसकी बहुत लिटिगेशन आजकल हो गई है, ग्रेजुअली बहुत बढ़ रही है कि वो बच्चा कहां रहेगा, किसकी कस्टडी में रहेगा, अगर कोई ले गया डिस्पाइट ए रिस्ट्रेंट ऑर्डर, तो मतलब काफी सारे इश्यूज हैं। तो उसमें एक बिल लॉ मिनिस्ट्री ने बनाया, उसका इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन बिल नाम था उसका, और एक बिल लॉ मिनिस्ट्री ने बनाया, एक बिल बनाया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ने, बिकॉज वो देखते थे उसको। सो देयर वर इश्यूज दोनों में, कुछ दी मिनिस्ट्री बोथ दी मिनिस्ट्रीज मे नॉट बी हैप्पी, तो एक मीटिंग दिल्ली में थी कोई, तो दे सेड के जी वी शुड कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी फॉर दैट, लेट अस सी, लेट द कमेटी एग्जामिन बोथ दी लॉज। सो आई वॉज इन चंडीगढ़ एट दैट टाइम, तो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई जो मैं हेड कर रहा था, फिर मेरे को उन्होंने अपॉइंट किया वहां से। तो हमने वो सारी चीजें एग्जामिन की, और एग्जामिन की हमने, बहुत लोगों से मीटिंग की, दोनों एक्ट्स एग्जामिन किए, तो उसमें हमारे को एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ। एज ए एडवोकेट आपका डिफरेंट एक्सपीरियंस है, एज ए जज आप बिल्कुल स्ट्रेट जैकेट जजमेंट देते हैं, विदाउट लेफ्ट राइट, क्लियर होनी चाहिए एक ही उसमें, बिकॉज वी आर डिसाइडिंग वन केस, और जो लॉ ड्राफ्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट अगले 50-100 साल की डिफरेंट इवेंचुअलिटी को टेक केयर करना है, वो स्टैटिक नहीं हो सकता कभी भी, वो हमेशा डायनेमिक रहेगा, आप उसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट जैकेट चीजें नहीं डाल सकते, आपको बहुत सारी चीजें कोर्ट में छोड़नी पड़ेगी, एक गिवन सिचुएशन में वही प्रोविजन आंसर करेगा। और हम देख रहे हैं हमारे प्रोसीजर में या दूसरे लॉज में सेम प्रोविजन है जिसमें कोई चेंज नहीं है पिछले 100-150 साल के अंदर, उसी की इंटरप्रिटेशन से आप हर एक सिचुएशन डिफरेंट डील करते हो, उसी प्रोविजन को आप डिफरेंट सिचुएशन में पढ़ते हो तो आपको शायद डिफरेंट आंसर मिलता है। तो इसलिए ड्राफ्टिंग जो है वो ऑल्टोगेदर डिफरेंट चीज है, और इसीलिए आई थिंक ड्राफ्टिंग में एरर हो सकती है, इसमें कोई नहीं है, इट्स ऑल ह्यूमन एरर जो भी है, बट वो जैसे जैसे आप लोगों की हेल्प से कोर्ट में एनालाइज होंगी चीजें, जो नई चीजें इंट्रोड्यूस की हैं, काफी चीजें तो पुरानी है, सेक्शन की अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट चेंज हुई है, या देर वर मल्टीपल सेक्शन, लाइक किसी ऑफेंस के लिए 5-6 छोटे छोटे सेक्शन थे वो उन्होंने एक में ऐड कर दिया, तो इस तरह की चीजें हैं कुछ, मे बी आपको सेक्शन याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा कि नंबर चेंज हो गए कुछ, बट इन एनी केस ये बहुत आई थिंक डिफिकल्ट टास्क है, मैं आपको ये कहूंगा, वाजपेयी जी तो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं तो इन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है, बट इसको ऑब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो यू कैन रीड, उसमें बिल्स भी लिखे हुए हैं, वो हरेक में होते हैं, बट हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज, अगर आप नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड पे जाएंगे जिसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन हमारे कोर्ट्स रिलेटेड केसेस की है, तो हाई कोर्ट में, डिफरेंट हाई कोर्ट्स में हमारे पास 44.50 लाख केसेस पेंडिंग है, जिसमें से कोई 11 लाख सिविल हैं और 33 लाख, नहीं ये रिवर्स है, क्रिमिनल है केसेस, 11 लाख क्रिमिनल है, 33 सिविल है। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की साइड पे जाएं तो हमारे पास 4.45 करोड़ केसेस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और वहां पे फिगर ऑल्टुगेदर डिफरेंट है, वहां पे क्रिमिनल केसेस ज्यादा हैं, 3.35 करोड़ क्रिमिनल केसेस। तो जैसे वाजपेयी जी ने आपको रेफरेंस दिया था समरी ट्रायल्स का, वहां बहुत सारे छोटे छोटे केसेस हैं जिसका एंड फर्स्ट ट्रायल के बाद ही है, वो फर्स्ट अपील में भी नहीं जाते, बहुत सारे फर्स्ट स्टेज पे भी नहीं, नेक्स्ट जो हायर स्टेज है उसको भी अवेल नहीं करते, उसमें सिविल के भी काफी हैं ऐसे, क्योंकि स्टडीज ये भी हैं कि हमारे यहां बहुत सारी फ्रिवलेस लिटिगेशन जो फर्स्ट स्टेज पे ही फिनिश हो जाती है, वे भी आइडिया टू हरासमेंट का है जो भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें हमारे 5 करोड़ केसेज हैं, 5 करोड़ केसेज में आप एक केस में नॉर्मल कंडीशन में 4 या 5 आदमियों को पार्टी लगाएंगे तो 20 करोड़ आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं, और 20 करोड़ के साथ आप 4 आदमी की फैमिली जोड़ दें तो 80 करोड़ आदमी इस लिटिगेशन से इन्वॉल्व है। तो कितने, इसको हम थ्री क्रिमिनल मेजर एक्ट बोलते हैं, ये मेजर है मतलब हर एक चीज को ये क्रिमिनल, क्योंकि क्राइम सोसाइटी में बहुत इंक्रीज हो गया, तो ये बहुत मेजर एरिया है हमारा जो
लॉ एंड ऑर्डर से कहो या मतलब दूसरी चीज जो भी आप कहें कि मेंटेनेंस पीसफुल सोसाइटी, ये सारी चीजें इसी में ही हैं। तो मैं अब इसकी डिटेल में आपको क्या क्या प्रोविजन चेंज हुए हैं और हुए हैं, पर एक चीज जो ऐड की है इन्होंने जो इसमें आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये तो सीआरपीसी है क्योंकि अभी नाम भी याद करने पड़ेंगे, नए संहिता बिल जो है, जैसे अबेटमेंट ऑफ क्राइम आउटसाइड इंडिया, मॉब लिंचिंग है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, पनिशमेंट स्ट्रिंजेंट की है, हालांकि पनिशमेंट में भी यहां बहुत सारी रेंज है, अप टू 10 ईयर, अप टू 7 ईयर, तो बहुत सारी चॉइस ऑप्शन है। प्रोबेबली ये एरिया भी अमेरिका में या किसी लेक्सलेशन से हो गया है जो जजमेंट की पनिशमेंट की पॉलिसी है टोटल, सो देर इज नो वेरिएशन और बहुत लिटिल वेरिएशन है, मे बी समटाइम्स दिस इज ऑल्सो थॉट ऑफ। और एक कम्युनिटी सर्विस ऐड की है इसमें एज ए पनिशमेंट इन माइनर ऑफेंसेस, भाई लेक्सलेशन ये आ गई, बट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि हमारे यहां कंटेम्प्ट के केसेस लगते थे, ये तो 7-8 साल पुरानी बात होगी या 9 साल पुरानी। कंटेम्प्ट में पनिशमेंट बहुत कम केसों में होती है, ये आपको भी पता है। फाइनली और प्रैक्टिकली कंटेम्प्ट जो है वो सिविल केसेस में इस काइंड ऑफ एन एग्जीक्यूशन, थोड़ी फास्ट एग्जीक्यूशन है, हाई कोर्ट्स के ऑर्डर किया कुछ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2A में तो उसमें भी टाइम बहुत लगता है, 39-2A में तो वो तो लंबा प्रोसेस है। तो ऐसे ही छोटे छोटे केसेस में कंटेंप्ट आती है स्टेट के ऑफिसर्स। सो कुछ केसेस में हमारे पास गवर्नमेंट ऑफिसर्स आए, कंप्लायंस हो गई, देयर वाज डिले एंड ऑल दैट, तो हमने उनको वॉलंटरी, इट वाज नॉट, क्योंकि ये डिफाइंड कहीं नहीं था कि ठीक है आप अपने इस एरिया में या कहीं जो भी उनकी गवर्नमेंट की लैंड है कि आप 100-200-400-500 ट्रीज प्लांट करेंगे एंड यू विल मेंटेन दैट फॉर ए ईयर और सो, ताकि वो जड़ पकड़ लें अपनी। तो ये कम्युनिटी सर्विस काइंड ऑफ ए चीज है। तो ये चीजें जो थी ना, उसके बाद और भी मैंने देखा कई जगह, तो इस तरह की इट्स नॉट ए पनिशमेंट, इसे वॉलंटरी, उसने कहा कि ठीक है वॉलंटरी इन द सेंस कि उसको सजेशन दी तो ये एग्रीड कि जी मैं कर दूंगा। कई डिफरेंट कॉरपोरेशन थे, उनके पास भी कोई ट्यूबवेल है और है, उसके अंदर स्पेस है, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्कूल में स्पेस है, तो स्पेस पुराने उसमें तो इंस्टीट्यूशन में बहुत है। तो ये सारी चीजें जो थी ये अच्छा रहेगा। एंड आई रिकॉल जो हमारे एज ग्रुप के रोल हैं उन्होंने लोग हैं, उन्होंने एक 70s में पिक्चर आई थी दुश्मन, अगर याद हो, राजेश खन्ना की, उसके अंदर 304A का केस था और उसको पनिशमेंट जो थी वो जेल की नहीं थी, उसको कहा था कि जो फैमिली है विक्टिम है आप उनके वहां रहेंगे और जाके जो उनकी लैंड है उसको प्लो करेंगे और करेंगे, यू विल टेक केयर ऑफ द फैमिली। ये 70s में किसी ने विजुलाइज की चीज, अभी भी ओपन जेल सिस्टम है राजस्थान में और है कई जगह, बट ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, कैसे एक्सप्लोर होगा क्या होगा, क्योंकि पनिशमेंट अब वैसे 304A का इक्विवेलेंट मेरे को सेक्शन नहीं याद, बट उसमें पनिशमेंट थोड़ी बढ़ा दी है, ये मैं थोड़ा सा नजर मारी थी मैंने। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजन हैं जो उन्होंने क्लब कर दिए हैं। जेल्स हमारी ओवरक्राउडेड हैं, वो तो आईपीसी की इक्विवेलेंट उसकी बात हो गई। अगर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें तो जेल्स हमारी सारे हिंदुस्तान में ही ओवरक्राउडेड है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसमें अब ये रिलीज के लिए उसने डाल दिया है कि 50% ऑफ द सेंटेंस अगर हो गई तो अंडर ट्रायल भी रिलीज कर देंगे पर्सनल बॉन्ड पे, फर्स्ट टाइमर है तो 1/3 भी है। और डाटा ये भी है कि हमारे अबाउट 75-6% जो लोग जेल में है वो अंडर ट्रायल है। और वही इंपॉर्टेंट बात है प्री बार्गेनिंग की भी या काउंटिंग की भी, उस पार्ट में मैं ये समझता हूं क्योंकि एज पार्ट ऑफ ड्यूटी हमारे को जेल भी विजिट करनी पड़ती है एज जजेस। तो मैंने जो फील किया कि बहुत सारे जो जेल में लोग हैं वो बहुत छोटे छोटे ऑफेंस के लिए हैं, और छोटे छोटे ऑफेंस में अगर आप उनसे पूछो कि आप 1-2 साल से जेल हैं, ऑफेंस जो उनके अगेंस्ट लगा है कोई वो छोटी सी चोरी का है, कि आप वो प्ली बार्गेनिंग में जाएंगे वो क्या होती है जी, बिकॉज दे आर नॉट नोइंग अबाउट इट कि ऐसे है आप कन्फेस कर लेंगे। तो वो ऐसे लोग हैं कुछ सोसाइटी के
जिनका अगर कन्विक्शन हो भी गया या नहीं हो गया तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इलिटरेट है उनको किसी गवर्नमेंट सर्विस में अप्लाई नहीं करना, कहीं नहीं करना, छोटे छोटे ऑफेंस में पता नहीं उन्होंने किया कि नहीं किया ये भी नहीं पता क्योंकि अभी ट्रायल नहीं हुआ उसका, तो उनको किसी ने बताया ही नहीं। तो देयर आई थिंक हमारे जो जेल है उसके अंदर सिस्टम कुछ थोड़ा रोबस्ट होना चाहिए, या हमारी जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वहां से हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, जेल में भी हैं और हैं, आई थिंक उसमें कुछ चीजें हमारे को इंप्रूव करने की जरूरत है जिससे हमारा ये सारा सिस्टम जो है हम उनको अप्राइज कर सके। अब बहुत सारे केसेस में जैसे टेक्नोलॉजी की यहां पे यूज की बात है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जेल में वो ये कहते हैं जी हमारे को ऑफेंस छोटा सा है कि दो साल से मैं कोर्ट में ही नहीं गया कभी, तो पेशी नहीं लगी मेरी, तो ट्रायल कहां से होगी, चार्ज कहां से लगेगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं प्रैक्टिकली जो अब टेक्नोलॉजी विल टेक केयर, आई विल जस्ट थोड़ा सा टच करूंगा उसको भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें जो इन्वेस्टिगेशन ट्रायल और ये चीजें और डिफरेंट प्रोविजंस जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मोड से या टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे इसमें। उसका मैं आपको पंजाब का एक्सपीरियंस अपना बताता हूं कि ये तो एक्ट में अमेंडमेंट सब आई हैं, हम मेरे ख्याल टेक्नोलॉजी का यूज फॉर ऑल दिस पिछले 10-12 साल से कर रहे हैं, जिसके अंदर एविडेंस रिकॉर्डिंग है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और उससे पहले हमने शुरू किया था रिमांड के लिए, रिमांड के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया तो काफी सक्सेसफुल रहा। प्रैक्टिकली अब मेजोरिटी ऑफ द केसेस में रिमांड जो है वो वीसी से है, टोटल जेल से। उसके बाद हमने जब वीसी से शुरू किया एविडेंस रिकॉर्डिंग का काम, तो सबसे पहले हमने किया फॉर्मल विटनेसेस सॉर्ट ऑफ, जिसमें मेन हमने लिए डॉक्टर्स। डॉक्टर्स की क्या प्रॉब्लम है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में अब कोई रेफर्ड केस है तो बड़े हॉस्पिटल में आएगा, वहां से अगर किसी डॉक्टर को जाना है एविडेंस के लिए तो उसका मतलब यह है कि अगर नजदीक जाना है तो एक दिन, कहीं दूर जाना है तो दो दिन भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप एम्स में लगाएं, यहां पर एग्जाम्पल चंडीगढ़ में हम पीजीआई की लगाएं, तो वहां आपके हिमाचल से भी लोग आते हैं जो कोई इंजर्ड है, जे एंड के से भी हैं, पंजाब में भी दूर से हैं, ईस्टर्न यूपी से भी बहुत, वेस्टर्न यूपी से भी, इधर से भी आते हैं, रादर वेस्टर्न यूपी से भी बहुत सारे लोग वहां पे पहुंचते हैं जो पेशेंट मे नॉट बी वो एक्सीडेंट के हो, पर एक्सीडेंट के भी काफी एरिया के लोग आते हैं या फाइट के किसी। अब उसमें डॉक्टर को जाना हो तो मे बी उसको दो दिन भी लगेंगे किसी में, और उसके बाद नेक्स्ट क्या स्टेप, अब वो डॉक्टर एविडेंस पे चला गया तो ये नहीं पता कि शायद जज साहब उस दिन छुट्टी पे हो, या अपोजिट काउंसिल कोई डेट ले ले, या प्रोसिक्यूशन का ही डेट ले ले, या देर में भी 100 रीजंस, आपको पता है प्रैक्टिकल कोर्ट में क्या है। और एक प्रैक्टिकल बात आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ लोग उसमें सेडिक्टिव भी हैं, वो सेडिक्शन क्या है उनकी, कि मैं हॉस्पिटल में गया था, मे नॉट बी दैट डॉक्टर, एक बार गया था मैं पीजीआई में या एम्स में, मेरे को डॉक्टर ने अटेंड नहीं किया था, आज ये आया है इसको 4-5 चक्कर लगवाऊंगा, एक ये माइंड सेट भी है विदाउट रियलाइजिंग कि अगर डॉक्टर एक हॉस्पिटल से गया है वो कितने पेशेंट्स को वहां ओपीडी में देखता उस दिन, या कितने उसके ऑपरेशन जो शेड्यूल होंगे वो सारे के सारे नेचुरली नेक्स्ट कोई डेट फिक्स होगी, उसमें कुछ इमरजेंसी भी हो सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर लोड की बात लगाएं तो प्रोबेबली ऑल आर वर्किंग विद आई थिंक 300-400 मोर देन देयर कैपेसिटी, डॉक्टर्स नहीं है। वैसे दो लाइन बताऊंगा आपको, एक कमेटी थी उसमें भी हमने इमरजेंसी सर्विसेज इंस्पेक्ट की थी हॉस्पिटल्स की, तो आई जस्ट हैड ए वर्ड के भाई आपके पास इतने पेशेंट हैं तो आपको डॉक्टर्स क्यों नहीं मिलते गवर्नमेंट से कॉरेस्पॉन्डिंगली पोस्ट। तो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट का जवाब यह था कि जी हमारे को पोस्ट मिलती है जितने हमारे पास बेड है, और बेड इंडोर पेशेंट के लिए तो बेड ठीक है, जो इमरजेंसी में वहां आपने सब जगह हाल देखा होगा, तो बेड अगर 50 हैं तो उसमें से 200 आदमी स्ट्रेचर पे हैं और 100 आदमी शायद नीचे चादर लटा के, कहता वो कोई काउंट ही नहीं करते उसको, वो कहते हैं आपके पास इमरजेंसी में बेड 50 है तो उसके हिसाब से स्टाफ मिलता है। तो ये एक प्रॉब्लम प्रैक्टिकल है, उसके लिए हमने हॉस्पिटल्स के अंदर और हमारे कोर्ट्स के अंदर नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जो कोऑर्डिनेट करते थे, और टाइमिंग भी उनका हम कोशिश करते थे नॉट इन द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में उनकी ओपीडी है या कुछ और है ऑपरेशन है, तो आफ्टरनून में उनकी एविडेंस हो, और एविडेंस के कोऑर्डिनेशन के साथ ही
मैं आपको क्योंकि हमारे को फाइनेंस की इतनी प्रॉब्लम नहीं रही पंजाब हरियाणा में, स्टेट का सपोर्ट काफी अच्छा रहा। हमने 8 या 10 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्चे थे, दस एक साल पहले की बात है, और प्रोबेबली 2-2.5 साल में अगर कैलकुलेशन की, उस टाइम की कैलकुलेशन बता रहा हूं, एक डॉक्टर की कॉस्ट हॉस्पिटल में जाने ना कोर्ट में जाने के लिए एक दिन की 10,000 रुपए की थी। ये सिर्फ कॉस्ट थी उसकी, जो उसको सैलरी का पार्ट लगाइए उसका पर डे का, या आपकी TADA या कुछ है, जो उसका लॉस है काम का उसकी वैल्यू नहीं है। कोई डॉक्टर की पता नहीं कितनी लाइफ हो, शायद कोई सेव कर देता उस दिन, या कितने आदमी देखता। वो हमने सेविंग जो हमारी थी वो 2-2.5 साल में कोई अबाउट 30-35 करोड़ रुपए थी। ऐसे ही हमने कैलकुलेशन की उसके अंदर, मतलब ये टोटल थी जो हम रिमांड से भी आते थे। अब जैसे जजमेंट की बात बताई इन्होंने कि जजमेंट की प्रनाउंसमेंट VC से हो सकती है, आप लगाइए कि बहुत सारी जेल्स ऐसी हैं जो हाई सिक्योरिटी जेल्स हैं जिसमें बड़े हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं। कपूरथला में है हमारा एक ऐसी जेल, हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं वहां। उनकी जब ट्रायल होती है, एक एक्यूज्ड को कोर्ट में लेकर जाने के लिए 30 या 40 पुलिसमैन जाते हैं, एक गाड़ी आगे होती है एक पीछे होती है, मतलब बहुत लंबी चौड़ी सिक्योरिटी। और वो फिर सिटी से गुजरती है, कोई इंसिडेंट, आपको पता कोर्ट्स में ही इंसिडेंट होने लगे हैं बहुत सारे, कोर्ट के बाहर तो चांस डिफरेंट है। तो वो सारी चीजें को देखते हुए अगर वो एक आदमी की एविडेंस कोर्ट से हो जाए और जेल से हो जाए तो कितने आदमी हमारी मैन पावर से होती है, कितना ट्रैफिक सड़क पे सेव होगा, और इसका डायरेक्ट रिलेशन जो हम दिल्ली में ज्यादा फेस करते हैं एनवायरमेंट के ऊपर कि इतनी व्हीकल्स जो चल रही हैं। और दूसरा यही बात है जैसे बनर्जी जी ने भी बताई थी बात कि बहुत सारे फॉर्मल ऑर्डर्स हैं, फॉर्मल हियरिंग्स हैं कोर्ट में। अब किसी एडवोकेट के 4 केस लगे हैं जिसमें से 4 ही फॉर्मल हैं चांस से उस दिन, व्हाई कांट ही अटेंड इट फ्रॉम हिज होम, कोर्ट नहीं आएगा। कोर्ट में आपके 4 मैटर्स हैं, एक सवेरे 10 बजे आएगा, एक 12 बजे आएगा, एक शाम को आएगा, मे भी चारों ना भी आए, लिस्ट लंबी है। उस एडवोकेट का सारा टाइम दिन में कोर्ट में वेस्ट हो गया। अगर वो अपने ऑफिस में रहेगा तो शायद उस टाइम को किसी काम के लिए यूटिलाइज करेगा जो किसी केस की क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो इस टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज इन सारी चीजों के लिए करेंगे तो आई थिंक ये लॉन्ग रन में हमारे बहुत फायदे वाली चीज है। एक चीज अभी बताई थी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में, PMRMLR की बात है जो हमने एक सॉफ्टवेयर वहां डेवलप कराया था 2011 में, 12 साल हो गए इसको। अब ये सारी चीजें लॉ में नहीं थी, कहीं प्रोवाइडेड नहीं था ये। और मैं वो एक आदमी आपके सामने खड़ा हूं जिसने आज एडवोकेट कोई क्रिमिनल काम नहीं किया था। अब उसके 2 मतलब हैं पंजाबी में लगाते हैं ना आपके, एक तो क्राइम नहीं किया था, एक मतलब क्रिमिनल केस कोई नहीं किया। क्योंकि मेरे पास सिविल लिटिगेशन नहीं थी ज्यादा, तो एज जज तो आपको जो भी केसेस हैं सारे डील करने पड़ते हैं, जो भी रोस्टर हुआ। तो क्रिमिनल केसेस मेरे पास लगे तो एक केस में ऐसे ही बेल हो, क्योंकि नॉर्मली तो लिस्ट हमारी सारी कोर्ट्स में ना बेल से ही ज्यादा भरी रहती है, बट इन एनी केस बेल हो, रिवीजन हो, कन्विक्शन के केस जो आते हैं या अपील हो, तो आपको जब इंजरी के केस हैं तो आपको MLR PMR मतलब डेथ के केस में देखनी ही पड़ेगी। अगर आप उसको एविडेंस की फाइल से निकाल के देखेंगे तो कोर्ट में डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस हुआ है वो या तो 3rd-4th फोटोकॉपी है उसकी, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, मतलब वहां फोटोकॉपी के अंदर ही अगर 3 इंच का कोई कट है तो उसके पीछे कोई पॉइंट लग जाए, ब्लैक स्पॉट लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, या आगे लग जाए तो वो मतलब वो कहेगा जजमेंट में लिखा है 3 इंच का कट है, इसमें तो 0.3 है। तो बेसिकली एविडेंस की री अप्रिशिएशन या परवर्सिटी आ गई सीधी। तो आई जस्ट आज जो क्रिमिनल हमारे बड़े अच्छे जो चंडीगढ़ में है उसको मैंने पूछा, मैंने कहा ये सारा हम टेक्नोलॉजी से नहीं कर सकते इसको, वो भी थोड़ा सा सरप्राइज था। मैंने इसको कंप्यूटर से करते हैं कुछ, ये टाइप हो गया करें कुछ। देन वी स्टार्टेड द प्रोसेस, और प्रोसेस में हमने उसमें काफी एक्सरसाइज, आई थिंक 2 साल हमने एक्सरसाइज की उसकी, 2009 में शुरू किया था ये। उसमें हमने किन लोगों को लिया, पहले तो डॉक्टर्स लिए हमने, पंजाब से भी, हरियाणा से भी, चंडीगढ़ से भी, क्योंकि एक कॉमन कोर्ट है तो हमने तीनों जगह इंप्लीमेंट करनी थी चीजें।
फिर हमने पुलिस के ऑफिसर भी लिए उसमें, और एनआईसी नॉर्मली सारा काम देखती है, तो एनआईसी को रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमारे को टीम ऑफ ऑफिसर्स दे दी मॉनिटर करने के लिए। और फिर हमने उसके, क्योंकि उनको फिर एंगेज करने थे आगे डेवलपर्स जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, हार्डवेयर भी चाहिए था, तो उसका एक एस्टिमेट बना। तो वो एक निक्सी है एनआईसी की आम, जो काफी सारे ये भी काम करती है साइड दूसरे, उसको इन्वॉल्व करके वो दोनों स्टेट से हमने पैसे ट्रांसफर कराए उनको। आई थिंक हमने टोटल एक बार 50 लाख करवाए थे और शायद 50-1 लाख बाद में कराए थे, 1 करोड़ रुपया टोटल लगा था उसके ऊपर। 2 साल में हमने वो सॉफ्टवेयर बनाया, बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग की पायलट प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट में, फिर जो प्रॉब्लम्स आई और आई वो सारी की सारी उसमें टेक केयर करके फिर उसको इम्प्लीमेंट किया। तो उससे अब क्या है, आप ना तो टेम्परिंग हो सकती है किसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वहां कंपलसरी ये कर दिया था कि अगर कोई भी आएगी कोर्ट में तो वो सिस्टम जनरेटेड आएगी, सॉफ्टवेयर से आएगी, और ये सॉफ्टवेयर जो है वो वेब बेस्ड है, किसी के कंप्यूटर में नहीं है, कुछ नहीं है, उसी के अंदर बनेगी, और जब बनेगी तो उसको लॉक कर देंगे इन द सेंस के उसको जो भी डॉक्टर बनाएगा, और उसके बाद उसके अंदर चेंज नहीं हो सकती, उसी को फिर इंटीग्रेट कोर्ट से। तो ये सारी चीजें, ये फिर सॉफ्टवेयर जब बना तो स्टेबलाइज हुआ, इट टुक टाइम क्योंकि सबकी ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसमें भी हम टेक्नोलॉजी का बहुत यूज करेंगे। मैं कुछ समय ज्यादा ना लगा जी सर, आपका समय पूरा हम सब आप ही को सीधे बैठे। तो प्रॉब्लम क्या आती है एग्जीक्यूशन में कि ट्रेनिंग नहीं है हमारी ग्राउंड लेवल पे। फिर अब ट्रेनिंग नहीं होगी तो नेचुरली फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन, जो एक विजन से काम चला है, जैसे वाजपेयी जी ने बताया कि एक विजन था कि ये लॉ ड्राफ्ट हो रहे हैं, हमारा एम क्या है, किस तरफ जाना है, अब उनको ये एम नहीं पता जिसको भी हम इस चीज को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो हमने उसके लिए मास्टर ट्रेनर ट्रेन किए डिफरेंट जगह, उन्होंने डॉक्टर्स को ट्रेन किया, स्टाफ को ट्रेन किया, सो दैट ये सारा कुछ आगे इंप्लीमेंट हो सके। ऐसे ही प्रॉब्लम एक आई आपकी लेबोरेटरी के रिपोर्ट्स की, जो आपकी FSL है, CFSL है, फूड की है, बहुत सारी लेबोरेटरीज, आप लोग एक्सपीरियंस हैं इसमें कि बहुत सारे केसेस में लैब की रिपोर्ट्स फाइल नहीं होती, और एज ए रिजल्ट बहुत सारे केसेस में आपकी बेल एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होती, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। बहुत सारे केसेस में हमने गवर्नमेंट को काफी पुश करके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लैब्स में ऐड कराया, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी डिले। एक नॉर्मल टेस्टिंग टाइम किसी का 5 दिन का है, 10 दिन का है, तो आप 15-20 दिन में 1 महीना ले लो, नॉट के भी आप 6 महीने 1 साल। बहुत सारी लैब्स में डिले इतनी थी, तो कुछ चीजें इंप्रूव हुई है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम निकल के आई, एक उसमें भी केस एक आया हमारे पास फूड से रिलेटेड, घी किसी का पकड़ा, उसकी बेल एप्लीकेशन हाईकोर्ट तक आ गई, सेट के जी अभी तक आज तक रिपोर्ट ही नहीं आई है, रिपोर्ट नहीं आई है तो मेरे को आप कैसे जेल में रखेंगे इतनी देर, अभी तो यही एस्टेब्लिश नहीं हुआ कि वो घी था या नहीं था, वो ये कह रहे हैं कि एडल्ट्रेटेड है, मैं कह रहा हूं ये घी देसी घी था। अच्छा, उसमें भी फिर यही प्रॉब्लम आई, तो चेक किया हमने कि ये क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो दे सेट के जी बहुत लंबा प्रोसीजर है, पहले टेस्टिंग के लिए सैंपल जाएगा, सैंपल के बाद जब कभी टाइम मिलेगा आईयू को तो वो पता करेगा जाके लेबोरेटरी में कि मेरा टेस्ट हो गया या नहीं हो गया, अगर हो गया होगा तो रिपोर्ट कलेक्ट करेगा जब भी उसको टाइम मिलेगा और जाके वो सबमिट करेगा। तो कितना लंबा प्रोसेस है इसमें, उसको टाइम कितना मिलेगा, ये हम अभी आपने हरियाणा की न्यूज पढ़ी हो अगर इन्वेस्टिगेशन की, तो दे सेट के इतने आईयूज जो है उसको सस्पेंड कर, बट आई थिंक उसमें शायद उनका फॉल्ट हो भी सकता है नहीं भी। एक प्रकाश सिंह की कमेटी है शायद, मेरे ख्याल वाजपेयी जी जजमेंट भी है प्रकाश सिंह की है, जिसने कहा था कि सारी चीजें अलग अलग करो, पुलिस रिफॉर्म्स की जो है कि इन्वेस्टिगेशन पार्ट शुड बी सेपरेट फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर पुलिसिंग, जब तक वो नहीं होगा, जैसे लैब्स थी वो पुलिस के अंडर थी, वो जब तक सेपरेट नहीं हुई इंप्रूवमेंट नहीं हुई जहां भी हुई, अदरवाइज वो पुलिस के अंडर ही थी। तो जब तक ये सेपरेट नहीं होंगी उनके पास सिर्फ एक काम नहीं है। अब हमारे यहां कोर्ट में भी आप प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे, ये सारी चीजें हमारे को अब इतनी मेजर चेंजेस कर रहे हैं, तो शायद उसको भी हैव टू टेक केयर। अब वही पुलिस ऑफिसर है, अब हमारा इलेक्शन का माहौल शुरू होगा जैसे, तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज रहती हैं, अदरवाइज भी रहती हैं, कहीं छोटा
काम इधर हो गया उधर हो गया, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज होती है और डिले इन इन्वेस्टिगेशन कलेक्शन ऑफ एनी सैंपल एंड ऑल दैट वो फिर प्रॉब्लमेटिक है। खैर वो एक सेपरेट पार्ट था, तो हमने वो चेक किया तो उसका हमने फिर एक सिस्टम डेवलप कराया, वो भी एक सॉफ्टवेयर वहां पे बना हुआ है पूरा स्टेबलाइज्ड है। सारी जितनी लैब्स हैं पंजाब हरियाणा में वो सारी कनेक्टेड है उस सॉफ्टवेयर से, सारे रिपोर्ट्स के टेम्पलेट बने हुए हैं और आपको प्रिंटआउट में सिर्फ वो कॉलम मिलते हैं जिसकी रिपोर्ट है। अदरवाइज आप फॉर्म लेंगे तो उसमें 25 फॉर्म है, वो भरे हुए सिर्फ 3 ही होते हैं कई दफा या 4 भरे होते हैं, यानी कि लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ पेपर ऑल्सो इज देयर। उसमें सब चीजें ऑटोमेटेड, सबसे पहली चीज तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी की बात थी। ये भी आप लोग बहुत सारे सुनते भी होंगे या देखते भी होंगे कि ये एक एलिगेशन आता है कि लैब में सैंपल गया था चेंज हो गया या किसी ने रिपोर्ट मैनेज कर ली, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के एक ठीक हैं गलत हैं ये अलग पार्ट है। कोई भी सैंपल जब लैब में जाता है तो सिस्टम के हिसाब से वो सिर्फ एक एंट्री पॉइंट के ऊपर सैंपल उसने डिपॉजिट कर दिया, उसके बाद उस सैंपल के ऊपर एक बारकोड लगेगा, कोई केस की डिटेल नहीं है उसके पास उसके बाद, और उसके बाद अंदर वो बारकोड से उसको नहीं देख सकता कि कहां का सैंपल है कौन सी डेट है कहां से इसकी डिटेल है इस केस की, क्योंकि वो बारकोड से ही ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है जितने भी रिपोर्टिंग है उसमें जनरेट होगी। उसके अंदर उस आईओ का और एक ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस के डेजिग्नेटेड मोबाइल नंबर से जिसके ऊपर रेगुलर अपडेट जाएगा कि आपके सैंपल का क्या स्टेटस है। जब वो रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो उसको मैसेज जाएगा, मैसेज भी जाएगा, कलेक्ट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन अपलोड हो जाएगी, सब पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, यू कैन डाउनलोड इट, कोड से भी लिंक। तो ये सारी चीजें वही, अब लैब अगर सीएफएसएल की है तो हरियाणा में मेरे ख्याल चंडीगढ़ में ही है, हरियाणा में सीएफएसएल तो है ही नहीं, चंडीगढ़ में ही है, और सीएफएसएल तो हिंदुस्तान में ही 10-12 है मेरे ख्याल से, और कुछ तो स्पेशलाइज्ड है जहां सारे हिंदुस्तान के सैंपल वहीं आते हैं। सीएफएसएल में भी हमने वीसी की फैसिलिटी ऐड करवाई थी और एक प्रोबेबली अमेंडमेंट उसमें भी चाहिए थोड़ी सी, जो कौन सा सेक्शन है उसमें जो रिपोर्ट एज सच एक्सेप्टेड है ना, 294, उसमें कुछ तो ऑफिसर लिखे हैं जिनकी रिपोर्ट एज सच एक्सेप्टेड है, कुछ उसमें एडिशन रिक्वायर्ड है प्रोबेबली, सो दैट ऑल दिस कैन बी टेकन केयर ऑफ। तो इसमें अब वो रिपोर्ट्स अगर जाएगा और कलेक्ट करेगा तो कितना टाइम लगेगा उसमें और कितनी डिले होगी, कितना उसका काम सफर करेगा, तो ये सारी चीजें भी टेक्नोलॉजी से वी कैन टेक केयर ऑफ, डिलेज चेक कर सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं, और अगेन टेम्परिंग जीरो, क्योंकि एक दफा अपलोड हो गई रिपोर्ट तो देर आफ्टर कोई भी करेगा तो वो सिस्टम से आपको उसके लॉग मिलेंगे कि किसने चेंज किया है उसमें, तो ये टेक्नोलॉजी का ये बहुत बड़ा फायदा भी है। अभी जो वही जो हमारा एक ऑफिसर है नई सी का था, वो अभी भी कॉन्टैक्ट में रहता है, कभी टेलीफोन आ जाता है उसका या अपडेट करता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया इसमें। हालांकि वो हरियाणा में लगा हुआ है और हरियाणा में उसके पास जो चार्ज है वो कोर्ट से रिलेटेड काम का नहीं है, बट उसको ये काम करने के बाद इंटरेस्ट डेवलप हो गया दो प्रोजेक्ट करने के बाद। अभी वो एक ऐप डेवलप कर रहे हैं, जैसे अभी इसमें सारी चीजें हैं जो नई सीआरपीसी जो है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग करें और उसमें सेक्शन में लिखा हुआ आप टेलीफोन से वीडियो रिकॉर्डिंग करें। अभी उसने वो टेस्ट कर रहा है, एक ऐप डेवलप की है जिसका नाम है वारदात, और उसमें क्या है कि टेलीफोन के अंदर ही है, जहां भी सीन ऑफ क्राइम पे वो जाएगा तो उसकी जियो टैगिंग हो जाएगी, सो दैट एनडीपीएस के केस में नॉर्मल एलिगेशन ये है कि मेरे को तो वहां से पकड़ा था, मैं वहां था नहीं, ये पुलिस ऑफिसर वहां था, ये यहां था। उसके अंदर ड्रॉप मेनू से सारे एक्ट हैं, सारे उसके अंदर सेक्शन हैं, जो भी उसने डालने हैं वहीं पे ड्रॉप मेनू से क्लिक करेगा, साइट की कोई फोटो लेनी है सारी लेके इमीडिएटली अपलोड होंगी, वो सर्वर पे चले जाएंगे सारी, जो जो भी चीजें उसे देखनी है जो कुछ करना है वहां पे वो वहीं पे होगा। तो ये सिस्टम जो है ना एक नेशनल लेवल पे डेवलप हो सकता है, वो उसने बनाया है और उससे काफी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। बट प्रॉब्लम जो मैंने एक्सपीरियंस किया अभी तक कि हमारे बहुत सारी चीजों के अंदर जो एफर्ट हो रहे हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट हाई कोर्ट्स में हो रहे हैं, बट अगर ये एक्ट अमेंड किया है और इसमें ये सारी चीजें आ रही हैं, ये अमेंड करने जा रहे हैं, तो व्हाई नॉट हैव दिस एफर्ट एट द नेशनल लेवल और उसमें करके सारे कंट्री में हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकें।
तो टेक्नोलॉजी का ये बहुत छोटे छोटे बेनिफिट है। दूसरी मैं आपको एक और चीज इसके टेक्नोलॉजी के बारे में, कि जब भी कोई अरेस्ट होगा एनी पर्सन, क्योंकि ये पीओ से रिलेटेड है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से, तो उसका उन्होंने कहा सिग्नेचर, फिंगरप्रिंटिंग है, वो सब ले लेंगे। अभी हमारे को पता है सब आधार कार्ड में सबकी फिंगरप्रिंटिंग है, सब अवेलेबल है। एक बात ये भी हुई पहले, हालांकि आगे नहीं हुई की, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से निकल गया था उस टाइम, उससे पहले ये बात चली थी। वी हैड ए मीटिंग विद डीजीपी से, उनसे मीटिंग की हमने, कि सबसे पहले तो ये कि जितने पीओज हैं उसकी इंफॉर्मेशन आप वेबसाइट पे अपलोड करो, सो दैट एवरीबडी शुड नो कि कौन पीओ है। दूसरी चीज हमने उसको कहा कि टेक्नोलॉजी से आप इसको इंटीग्रेट करो, और इंटीग्रेशन में सबसे पहले हमने यही बात उनको एक सजेशन के तौर पे दी थी कि जब भी कोई आदमी किसी क्राइम में, छोटे मोटे की तो डिफरेंट है बात, जो कोई ठीक से क्राइम जो भी है, अरेस्ट हो, तो आप उसके फिंगरप्रिंट हैं, आप उसकी कोई आधार कार्ड का नंबर है, आप उसका कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई पैन कार्ड है, और कोई प्रॉपर्टी डिटेल्स भी अगर हैं, जो भी ले सकते हो आप वैलिडली, अगर आप उस टाइम लोगे तो वो काफी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। उसके दो डिफरेंट फायदे हैं। अगर सपोज वो पीओ हो जाता है, पीओ होने के बाद वो यहां से दिल्ली से गया और जाके आसाम में उसने रहना शुरू कर दिया, डिफिकल्ट टू लोकेट, बहुत सारे अरेस्ट हो जाते हैं काफी सालों के बाद, वहां पे गया, कुछ काम करना शुरू कर दिया, उसने बैंक में अकाउंट खोला, तो बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आधार भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो मोमेंट वो कोई भी चीज अवेल करेगा कहीं पे भी सिस्टम से उस आधार कार्ड को, उसको यूज करके, तो देर हैज टू बी ए हैंडशेक बिटवीन ऑल दी सिस्टम्स, के वो इमीडिएटली आपको फ्लैग होगा कि ये आदमी पीओ है जो यहां पे अकाउंट खोल रहा है या किसी गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट ले रहा है। सो यहां टेक्नोलॉजी हमारे को हेल्प कर सकती है। तो ऐसे ही ये चीजें आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, और टाइमलाइंस बहुत सारी प्रोवाइड की हैं, बट उसका कोरिलेशन डायरेक्ट फिर अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर से है, कितने हमारे पास जुडिशियल ऑफिसर हैं। अगर आप हिंदुस्तान की बात करें तो केस तो 4.5 करोड़ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हमारे पास 18,000 के करीब जुडिशियल ऑफिसर हैं सिर्फ। सो वो डिपेंड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और 18,000 जुडिशियल ऑफिसर के साथ भी आप ये लगाइए कि सपोर्टिंग स्टाफ की भी शॉर्टेज रहती है बहुत दफा, क्योंकि नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कुछ बने थे जो किसी टाइम पे, जो मैंने कहीं पढ़े कि देर हैज टू बी वन जुडिशियल ऑफिसर फॉर एवरी 500 केस, 500 चलो कम है, मैं समझता हूं कि 2,000 भी फाइल है किसी के पास तो रीजनेबली वो उसको देख सकता है। अब जुडिशियल ऑफिसर एक है, उसके पास फाइलें 10,000 हैं, उत्तर प्रदेश में तो कुछ कोर्ट्स में ज्यादा भी थी, कुछ हमने थोड़ा रीअरेंज करके कुछ उसको ठीक किया था। स्टाफ उसको मिलता है 1+7, एक जुडिशियल ऑफिसर के साथ 7 का स्टाफ है, स्टाफ की जो स्ट्रेंथ सेंक्शन है वो उसी नॉर्मल फाइलों के हिसाब से है कि 500, 1,000, 2,000 भी मैं समझता हूं रीजनेबल है, कोई बात नहीं। अब उसी स्टाफ को विच इज मेंट फॉर 500, 1,000 फाइल्स, अगर 10,000 फाइलें देखनी है तो वो कितना काम करेगा, ये हम सोच सकते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं प्रोसेस में डिले, कोई फाइल मिसप्लेस, ये वो, मतलब देयर कैन बी लॉट ऑफ इश्यूज इन दैट। तो वो सारी चीजें भी हमारे को साइमल्टेनियसली देखनी पड़ेगी, और उसके अंदर एक बात जरूर आएगी कि जो बल्क में अगर इक्विपमेंट होगी तो फिर क्वालिटी बहुत कंप्रोमाइज होती है। तो वो ग्रेजुअली चलता रहे प्रोसेस, कीपिंग दिस इन माइंड कि फ्यूचर में हम ये लॉ आने वाले हैं, हालांकि अभी भी हमारे पास शॉर्टेज है, बट स्टिल कीपिंग दैट इन व्यू, अगर हम अभी से उसको थोड़ा फास्ट करेंगे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है एक मजर सुल्तान में, जो एनुअल सारा सिस्टम मॉनिटर होता है सुप्रीम कोर्ट से रिक्रूटमेंट का, बट स्टिल। और बट एक प्रॉब्लम और भी है इसमें साथ ही, कि हमारे बहुत सारे जो यंग एडवोकेट्स हैं वो जुडिशियल सर्विस में नहीं आना चाहते, खासकर जो अच्छे लॉ कॉलेज से पढ़े, वो सारे या तो कॉरपोरेट में हैं, अच्छा लिटिगेशन में भी कम आते हैं क्योंकि वहां इमीडिएट रिटर्न शायद उनको लगती है, बट इन एनी केस ये भी बहुत अच्छी एक सर्विस है। अगर नए यंग ग्रेजुएट्स को आप भी थोड़ा सा मोटिवेट करें तो
इस तरह ही बहुत सारी चीजों में जो टेक्नोलॉजी है, सीजर की टाइम भी है, तो आई थिंक वो ऐप जो बनाई है या और इंप्रूव हो सकती है, वो सारी चीजें वो एक ही ऐप से सारी चल सकती है। लाइक जो सर्विस ऑफ समन्स की बात है, इसमें ऑलरेडी हमारे पास ई कमेटी के उससे नेशनल लेवल पे हमने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है, एनस्टेप, नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस, उसमें यही सारा सिस्टम है। वो जहां हमारा जो प्रोसेस सर्वर है, बहुत एलिगेशन ही आते हैं ना कि उसने रिपोर्ट अपने घर में बैठ के लिख दी कि वो गया ही नहीं वहां पर, उसमें जियो टैगिंग है, उसमें फोटो भी है कि किसको आपने समन सर्व किए। तो अगर कोई भी आदमी इस बात का इश्यू रेज करे कि मेरे को तो दिए नहीं, तो उसके पास फोटो है, उसके बाद जियो टैगिंग है, उसके बाद घर की फोटो भी है, अगर उसने कोई चस्पा करके आया, वो सारी चीजें हैं उसमें ऑलरेडी, ये इन प्लेस है। उसके लिए हमने उनको मोबाइल वोबाइल सब, मतलब जो हमारे प्रोसेस सर्वर हैं उनको दे रखे हैं सारे। और एक आध चीज मैं आपको एक और भी चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट की जो चेंजेस हैं, न्यू लॉज जो आ रहे हैं वो डिफरेंट है। एक इश्यूज बहुत सारे जो रिलेटेड हैं सीआरपीसी से और सीपीसी से भी रिलेटेड हैं, हमारे हाई कोर्ट्स के रूल एंड ऑर्डर्स हैं हर एक स्टेट में, विच आर मेंट टू सप्लीमेंट ऑल दीज प्रोसेसेस। उसके बारे में भी बहुत सारी देर से एक प्रोसेस चल रहा है, एक थिंकिंग चल रही है कि देर हैज टू बी प्रोसेस री इंजीनियरिंग ऑफ एवरीथिंग, उसमें भी हमारे को टेक्नोलॉजी को ऐड करना चाहिए, बट समहाउ वो भी नहीं हो रहा। आई थिंक दैट ऑल्सो इज रिक्वायर्ड टू बी डन। जब तक वो नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें हम यहां लेके आएंगे तो शायद हमारे को आगे थोड़ा बॉटलनेक उसमें आएगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। तो आई थिंक काफी समय आपका लिया मैंने, बट आई थिंक यहां आने के बाद तो मेरे को भी बहुत सारी इंट्रीकेसीज जो है वो डॉक्टर वाजपेयी से और बनर्जी साहब से इसके बारे में पता लगी, और अगले दो सेशन हैं उसमें आई थिंक आप सब यहां से काफी ज्ञान प्राप्त करके जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अधिवक्ता परिषद का धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय